हेलो साथियों, आज अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय सरसमीकरण में प्रश्नावली 7.1 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे आज अपन। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा है, क्या यह सिद्ध करना है अपन को। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, ये वाला है LHS पक्ष, ये वाला है RHS पक्ष। हिंदी में बोलते हैं इसको बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो अपन सिद्ध करने के लिए सदा में दायां पक्ष भी ले सकते हैं, दायां पक्ष भी ले सकते हैं और बायां पक्ष भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे LHS पक्ष लेते हैं। तो LHS पक्ष लेने पर, LHS पक्ष लेने पर, तो LHS पक्ष लूंगा मैं, तो इसमें LHS पक्ष हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा, ये पॉइंट का निशान होता है तो एक गुणा का निशान माना जाता है, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो अब मैं साथ, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा गुणा, यहाँ कोस तक लगा दूंगा गुणा में लेने के लिए, तो कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दूंगा तो एक, प्लस यहाँ पे दूंगा तो एक से गुणा करूंगा कोट को, तो कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे हल करूंगा मैं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साथियों, लिख दूंगा मैं पहले एक बार, कोस स्क्वायर थीटा गुणा इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आप सभी को पता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर समीका पढ़ी होगी आपने, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करूंगा, इसका मान होता है कोस स्क्वायर थीटा गुणा, यहाँ लिख दूंगा मैं इसका मान क्या लिख सकता हूँ, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा बटा एक को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे नीचे एक है, एक को एक से, एक को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कोस बटा साइन किसका मान होता है, टेन कोट का, तो यहाँ आ जाएगा कोट, और यहाँ भी स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। तो साथियों क्या LHS बराबर RHS आ रहा है, तो अपने यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS है। अब यहाँ लिख देंगे लास्ट लास्ट में इति सिद्धम, अपन को यही सिद्ध करना था, अपन को यह सिद्ध करना था कि क्या LHS पक्ष और RHS पक्ष, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या कोट स्क्वायर थीटा आएगा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा को सोल्व करेंगे तो ये कोस स्क्वायर। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें भी वही दो पक्ष हैं, LHS पक्ष और RHS पक्ष। अब अपन को इसमें हल करके बताना है क्या कि LHS पक्ष और RHS पक्ष, जब अपन LHS पक्ष को हल करते हैं तो RHS पक्ष आना चाहिए और RHS पक्ष को हल करते हैं तो LHS आना चाहिए। तो अपन इसको हल करने के लिए करेंगे हल, तो मैं इसमें लेता हूँ LHS पक्ष। ठीक है, तो अब साथ ही इसमें LHS पक्ष है, sec थीटा कोष्टक एक माइनस साइन थीटा कोष्टक sec थीटा प्लस tan थीटा। अब इसमें LHS पक्ष में है तो अब मैं आगे करूंगा, sec थीटा बराबर क्या होता है आप सभी को पता है कि एक बटा cos थीटा होता है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो एक माइनस साइन थीटा, यहाँ पे गुणा का निशान cos तक है तो ठीक है, और यहाँ होता है sec थीटा बराबर एक बटा cos थीटा अभी लिखाई है, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। अब साथ जो मैं आगे हल करूंगा इसको, तो यहाँ पे क्या है एक बटा कोस, तो इसके नीचे भी एक है तो ऊपर गुणा करूंगा एक माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसको कोष्टक में कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ूंगा तो बताओ क्या आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एक प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब मैं ऊपर को ऊपर वाले से गुणा और नीचे को नीचे वाले से गुणा, तो साथियों आपको पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला,
माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे यही हो रहा है ना, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ क्या, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा गुणा करूँगा तो ये आएगा ना साथियों, कोस को कोस से गुणा करूँगा तो कोस स्क्वायर थीटा, अवल करूँगा मैं इसको तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। साथियों आप सभी को पता होगा कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सरसमीका होती है एक, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ये सब आपको मैंने बता दी पहले बना के, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा को काटूंगा तो एक, तो क्या ये हो सकता है क्या, एक बराबर आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस से ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इति सिद्धम। एक बार दोबारा से देख लो साथियों, सभी को समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोस, यहाँ गुणा का निशान है कोष्टक में तो एक माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे गुणा का निशान है दोनों कोष्टकों के बीच में, फिर यहाँ दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक बंद बराबर एक। तो ये तो हो जाएगा अपने पास एल एच एस, ये आर एच एस, अपन को सोल्व करना है और आर एच एस पक्ष लेके आना है। अब मैं यहाँ पे एल एच एस पक्ष लेता हूँ, तो साथियों सेक थीटा है अपने पास, सेक थीटा कोष्टक एक माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद कोष्टक चालू, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का आपको पता है एक बटा कोसेक कोस थीटा होता है, तो एक बटा कोस थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका इसको परिवर्तित नहीं करेंगे अपन, ऐसे रख देंगे तो एक माइनस साइन थीटा रह जाएगा, और यहाँ पे एक बटा कोस थीटा, क्योंकि एक सेक थीटा का अपन ने पहले लिख लिया, एक बटा कोस थीटा टेन का मान होता है, साइन बटा कोस बाघ विधि से देखा था अपन ने, तो साइन बटा, अब मेरे को बताओ इसमें एक बटा कोस है तो एक बटा साइन थीटा के नीचे में एक लिख सकता हूँ, क्योंकि यह अंश के रूप में है तो हर के रूप में एक है, तो इसको गुणा करूंगा तो एक माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसको इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कोस को मना रहा है, तो यहाँ भी कोस यहाँ भी कोस, तो एक बार जाएगा बार, एक को एक से गुणा करूंगा एक, फिर इसमें भी एक बार जाएगा एक को साइन से गुणा करूंगा साइन थीटा। अब साथियों ये दोनों क्या बन गए, ए माइनस बी और ए ए प्लस बी वाली स्थिति हो गई ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो हो जाएगा अपने पास, ए तो हो जाएगा एक, बी हो जाएगा पास साइन, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, ये वाला एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया अब कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो एक आ जाएगा। अब एक के बराबर आर एच एस, क्या इधर भी एक ही आ रहे हैं क्या, हाँ तो आर एच एस बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अतः एल एच एस बराबर आर एच एस पक्ष हैं। इसलिए अब आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फाइव, जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो भी करवा देता हूँ, आज दो क्वेश्चन तो हो गए, जो तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पाँच, तो इसमें भी वही एल एच एस पक्ष दे रखा है अपन को और वही आर एच एस पक्ष दे रखा है, ठीक है। तो इसमें एल एच एस पक्ष हैं अपने पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और आर एच एस पक्ष हैं बराबर कोस स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा, तो अपन को एल एच एस पक्ष करके सोल्व करके ये लाना है आर एच एस पक्ष में कोस स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, अगर इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए, तो अपन यहाँ पे हल, अब मैं इसमें लेता हूँ एल एच एस पक्ष, ठीक है। तो एल एच एस पक्ष है इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको अगर मैं कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को बदलता हूँ तो एक बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है साथियों। अब इसमें लघुतम लूंगा मैं तो क्या आ जाएगा बताओ आप ही, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये लघुतम आ गया। अब मैं साइन का भाग इसमें पूरे में दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर, कितनी बार जाएगा साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा, तो एक को गुणा कोस स्क्वायर थीटा से करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इस कोस स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब यह लगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो यदि अगर आपको परेशानी है, तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कैसे भी लिखो आप आएगा वही उत्तर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या होता है, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एक बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली समीकरण कैसे बनती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये सभी को मालूम है अपन को, ठीक है। अब साथियों इनको अलग अलग करेंगे अपन, तो ऐसे कर सकते हैं एक बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा एक बटा कोस स्क्वायर थीटा, ये एक दोनों के ऊपर है। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपन ने पहले लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, एक बटा कोस स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और गुणा का निशान दे रखा है बीच में, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर ये किसके हैं, आर एच एस के। तो अपना अपन को लाना भी क्या था, आर एच एस के बराबर ये लाना था, एल एच एस को आर एच एस के बराबर करना था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अतः एल एच एस बराबर आर एच एस है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इति सिद्धम, ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। अब इसको दोबारा समझ लो एक बार, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अपना क्वेश्चन है मेन कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन को ये वाला हल करके ये लाना है, तभी अपना सवाल सिद्ध माना जाएगा। तो मैं यहाँ लेता हूँ इसमें एलएचएस पक्ष लूंगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे को बताओ साथियों, यहाँ प्लस का निशान है बीच में, तो इनको जोड़ूंगा तो लघुतम लेना पड़ेगा मेरे को, तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा लघुतम आ जाएगा इसका, तो लघुतम आ जाएगा। तो इसका भाग में इस पूरे में दूंगा, क्या बचेगा, केवल कोस बचेगा। अब इसमें एक साइन स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा मैं इस पूरे समीकरण में, तो कितनी बार जाएगा इसमें, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसमें भी ऐसे दूंगा तो ये कट जाएगा, फिर ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ एक आता है, लेकिन आपकी समझने की सुविधा के लिए मैं यहाँ साइन को आगे ले आता हूँ और कोस को वापस पीछे, फिर ये हो जाएगा इसका। इसका आप सभी को पता है पहली सर्वसमिका है, तो एक होता है एक बटा साइन स्क्वायर थीटा, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। अब इनको अलग अलग करूंगा तो ये एक दोनों के ऊपर है, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा एक बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ होता है इसका मान अपन ने यहाँ लिख लिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, गुणा का निशान है तो गुणा लगा देंगे, पॉइंट को गुणा बोलते हैं यहाँ पे, एक बटा कोस स्क्वायर थीटा सेक का है, तो यहाँ ये लिख दिया। अब ये क्या आर एच एस के बराबर है, क्या आप सभी को दिख रहा है कि आर एच एस के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अतः एल एच एस बराबर आर एच एस पक्ष है। तो ये अपना सवाल हो गया सिद्ध। अब आगे बात करें या फिर कल कर लेंगे, ठीक है, ओके।